हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ गौरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉर टुडेज वीडियो आज को बहुत रैंडम सा मेकअप वीडियो होने वाला है सो या वीडियो अच्छी लगे वाइब अच्छी लगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो बिफोर मूविंग अहेड फॉर टुडेज वीडियो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज पार्टनर फॉर दिस वीडियो विच इज क्लोविया सो क्लोविया पे अभी चल रहा है स्प्रिंग सीजन सेल जहाँ पे आपको मिलेगा फ्लैट डिस्काउंट ऑन एंटायर साइट where you'll get up to 80% off affordable nightwears at the reasonable price cash on delivery easy returns free shipping unlimited styles and a limited time of offer so I called for two nightwears and this is how you receive again beautiful packaging and when you open this parcel you get this a beautiful प्लास्टिक कैरी बैग जहाँ पे आपको बहुत सिक्योरली एंड बहुत अच्छे से आपको रिसीव होता है सो लाइक आई सेड आई कॉल्ड फॉर टू तो लेट मी शो यू हाउ दैट लुक्स सो लाइक यू कैन सी मैं ऑलरेडी एक वेयर कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सो द फर्स्ट वन आई चोज वाज दिस विच इज पोलका डॉट प्रिंट बटन डाउन शर्ट प्लस पैजामा सेट इन ब्लैक सो इज द सैटिन मटेरियल एंड ओ माई गॉड आई एम श्योर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट इट्स सुपर कंफर्टेबल इट्स सो ब्रीदेबल एंड बहुत अच्छा फील होता है बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होता है एंड अगेन इट लुक्स लग्जरियस एंड The quality is so amazing. I'm so impressed by the way. So this is the first one. Again, you get pockets which I love and I'm sure you love it too. So this was my first option. And now let's move on to the second option. Second one, I wanted simple, plain, classy. So second, I called for chic basic button down shirt plus a pajama set in dusky pink. So I'm sure आपको पता होगा ये new dusky pink है. And again, I called for large size क्योंकि मुझे रात को बहुत comfortable लगता है. So it's in the rayon material and look at that. It looks super comfortable. It looks super classy. Like I said, I wanted. So I called for nude shade and again it's with the pockets. So again plus points for that and yeah I love it totally dono bhi sets bahut comfortable hai like I said bahut breathable bhi hai and yeah I totally love it so if you are looking some great quality and affordable nightwear for this summer season I highly suggest to check the Clovia website and again for some extra offer you can definitely check this coupon code which is popping on the screen right here so yeah that's it and now let's move on to the video before going into the video I like to address few things pehli baat main bilkul organized nahi hu look at that main jo kapde dikha mujhe bas main le liya hai kyunki sab kapde wagera packed hai and ye mera actual youtube background था है इस वजह जो जो फर्नीचर का पीस था वो अभी चला गया है सो या एंड मैं बहुत टाइम से फिल्म नहीं कर रही हूँ और मुझे बहुत फील हो रहा है चार दिन से मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियो शूट नहीं किया सो आई थॉट कि लेट्स डू इट जैसे भी है एंड मैंने सब मेकअप अपना पैक कर दिया है जो मुझे ऊपर ऊपर मैंने रखा था जस्ट फॉर एमरजेंसी पर्पज एमरजेंसी के लिए भी नहीं बस जगह नहीं था इसीलिए तो मैं उसी से एक रैंडम सा मेकअप वीडियो करने वाली हूँ मुझे पता नहीं है मॉइस्चराइजर भी कही है क्या है आई विल शो यू मैं ये क्लिप ऐड कर दूंगी डेफिनेटली कि मेरा मेकअप अभी कैसे पैक्ड है बहुत बुरी तरह से पैक्ड है बस फाउंडेशन के जो बॉटल्स वगैरह है ग्लास वो टूटे ना बस दैट्स इट एंड या लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड अगेन इतना ब्रेकआउट क्यों हो रहा है आई हैव नो आइडिया मैं कोई भी नई प्रोडक्ट ट्राई नहीं कर रही हूँ एक किया था मे बी बट इतना टाइम नहीं लगता है उसका क्या बोलते हैं रिएक्शन देने को एंड मैं हमेशा पैच टेस्ट करती हूँ बट या मैंने कभी भी इतना ब्रेकआउट नहीं हुआ है मेरा कभी भी लाइफ में सो या उसके वजह से भी थोड़ा मूड इधर उधर रहता है बट इट्स ओके इट्स नेचुरल एंड जिनके रेगुलर होते होंगे ब्रेकआउट आई कैन टोटली फील योर कैसा फील होता होगा सो या एवरीथिंग इज फाइन बट नाउ आई रियलाइज कि मेरे पास अब ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं है एंड मिरर भी नहीं है तो मैंने ये के ब्यूटी का हाईलाइटर है वो मैंने जस्ट ऐसे ऊपर रखा था तो हम उसी से काम चला लेंगे इसमें थोड़ा सा लगातार मिरर है तो काम आ जाएगा एंड ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं है जो बहुत बड़ा बुमर है मैं कभी ब्यूटी ब्लेंडर के बिना मेकअप ब्लेंड नहीं करती बट ठीक है काम चलाओ है सो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन मुझे डेफिनेटली नहीं पता मैंने कहाँ रखा है एंड अगर इतना अच्छे से मैंने पैकिंग किया मैं उसको रिमूव भी नहीं कर सकती लुक एट दैट यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है आई लेजिट हैव नो आइडिया कि क्यों इतना ब्रेकआउट हो रहा है क्यों सो आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्रश और मैं बस बोलने के लिए भी कुछ नहीं गर्म भी बहुत हो रहा है ठीक है अभी कल हो ही जाएंगे शिफ्ट उसके बाद एडजस्टमेंट तो ये पता नहीं क्या वीडियो का टाइटल भी क्या रखने वाली डेफिनेटली आई हैव नो आइडिया मुझे इसीलिए ब्रश से ब्लेंडिंग पसंद नहीं है ये स्ट्रोक्स आ जाता है ऐसे ब्लेंडिंग का सो आई जस्ट फ्रॉम माय ब्यूटी ब्लेंडर तो इससे थोड़ा सा ब्लेंड करके देखते हैं अगेन ये वेट नहीं है सो इसलिए मुझे पसंद नहीं आ रहा है सो नाउ आई जस्ट सेट माई फेस यूजिंग लूज पाउडर
लाइक आई सेड मुझे पता नहीं है मैं इसका क्या करने वाली हूँ, इसका टाइटल भी क्या रखने वाली, बट इट्स फाइन राइट. कुछ नहीं अपलोड करने से अच्छा कुछ तो अपलोड के लिए होना चाहिए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज आईब्रो पेंसिल, सिंपल सा और कुछ नहीं, मास्क की तरफ से. आई डेफिनेटली हैव नो आइडिया कि मैं इसको अपलोड करने भी वाली हूँ कि नहीं, बट लेट्स सी. सी यहाँ पे भी ब्रेकआउट होने लग गया है. मैं मेकअप भी अवॉइड कर रही हूँ जब मेरा ब्रेकआउट हो रहा है इसीलिए, एंड टाइम भी नहीं है ऑनेस्टली. इतनी गड़बड़ में, इतनी दूर में तो मुझसे होगा ही नहीं कि मैं मेकअप वीडियो बनाऊँ. अभी घर पे कोई नहीं है तो आई थॉट कि लेट्स फिल्म समथिंग. सो उतना ही आईब्रोज बिकॉज दैट माई फेस इट्स ओके राइट. तो नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश, एंड ब्लश आई थिंक मुझे धुना पड़ेगा अगेन. बहुत धुने के बाद आई गॉट दिस इवा हिंट ऑफ रेड मस्ट हैव लिप एंड चीक टिंट. तो आई थिंक हमें इससे काम चलाना पड़ेगा. आई होप ये बस ब्लेंड हो जाए अच्छे से. सो लेट्स सी. ब्लेंड नहीं हो रहा. लाइक सो फ्लश ऑफ कर लो. बहुत वियर्ड लग रहा है कि मेरा फेस लुक बड़ा फाउंड. मुझे पता नहीं मैंने ये वाला आई शेडो पैलेट ऊपर क्यों रखा है, बट लेट्स सी क्या कर सकते हैं. एंड मैंने ब्रशेस बाहर ही रखे थे क्योंकि आई थॉट कि मैं यहीं से वॉश करके उस घर में लेके जाऊंगी तो मुझे वहाँ जाके कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो अभी वॉश नहीं हुआ है अभी तक. सो या एंड मोस्टली मुझे ना आदत है वही एक मिरर की जो मार्स की तरफ से आता है, लाइक मार्स का है, बट अभी इसे हम काम चला लेंगे. लेट्स सी मैं आई लुक के साथ क्या करती हूँ. आई थिंक मैं ज़्यादा ग्लैम नहीं जाऊँगी. तो आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्राउन शेड. लेट्स सी हाउ दैट गोस. मेरा आई लुक थोड़ा मेरा फेस को थोड़ा स्ट्रक्चर दे दें, थोड़ा अच्छा दिखे. अभी तो मेरे फेस का टेक्सचर भी बहुत चला गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर था, अभी तो बहुत अच्छा है, बहुत लाइक 90% तो बहुत अच्छा है. दो तीन दिन पहले तो बहुत ज़्यादा टेक्सचर था. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बिल्ड दिस डार्क ब्राउन शेड. जब मेरे दिमाग में कुछ होता नहीं है कि मैं क्या आई शेडो करूँगी, मैं जस्ट ब्राउन ले लेती हूँ और मैं जस्ट उसको स्मूथ आउट कर देती हूँ, दैट्स इट. And I guess ये ब्रश में ऑलरेडी एक कलर था रेडिश. मुझे डेफिनेटली आज रात को मेरे ब्रशेज वॉश करना पड़ेंगे. सी ये रेडिश हो गया, ये रेडिश बिल्कुल भी नहीं था, मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ. ठीक है अभी कुछ काम नहीं कर रहा तो ये भी काम नहीं करेगा. मैं तो मैंने बहुत टाइम से ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाना छोड़ दिया, बहुत टाइम से फील लाइक बहुत अभी सबको पता है कि कैसे मेकअप करते हैं क्या करते हैं, तो इसीलिए आई थिंक. एंड एक टाइम के बाद मेरा इंटरेस्ट ही चला गया था ऑनेस्टली ऐसे मेकअप वीडियोस बैठ के बनाने के लिए कि ऐसा आई शेडो लगाते हैं वैसे लगाते हैं. सो इसीलिए मे बी इन फ्यूचर मैं वापस स्टार्ट कर दूँ, बट अभी के लिए अभी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा मन नहीं करता, तो मैं इसलिए बनाती नहीं हूँ बैट लाइक सिटिंग वीडियोस की ये लगाते हैं इसके बाद ये लगाते हैं उसके बाद वो लगाते हैं, तो मैं ही एंजॉय नहीं करती, तो आई एम श्योर मैं वो फील नहीं करूँगी तो आप कैसे फील करोगे, तो इसीलिए मे बी. सो मैंने अपना ब्रश चेंज कर लिया. लेट्स सी कि ये वही शेड है. सी इतना पैन में तो इतना ये नहीं दिख रहा, ब्राउन दिख रहा है, बट ऑन द लिड्स ये बहुत ऐसे मरूनिश दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए बाय द वे. लाइक आई सेड आई हैव नो आइडिया, सो मैंने ये ऑरेंज ले लिया. लेट्स सी हाउ इट गोज. ठीक है इतना भी बुरा नहीं है, हम लाइनर से बचा लेंगे मेकअप लुक को. मुझे मैंने एक डार्क कलर चाहिए ऐसे स्मोकी लुक देने के लिए, बट है नहीं मेरे पास, तो ये जो पैलेट में है ना ब्राउन शेड हम उसी से थोड़ा सा कर सकते हैं. एंड वो लाइक आई सेड पैन में अच्छो यू मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ लुका दैट ये पूरा ब्राउन शेड है, बट ऑन लिड्स ये पूरा मरूनिश रेडिश कलर आ रहा है पता नहीं क्यों, बट ठीक है स्मोकी लुक देना तो वैसे दे देता है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस शुगर आई लाइनर. ये ब्लैक आई लाइनर है अगेन ऑफकोर्स, तो मैं जस्ट एक अच्छा सा विंग बनाती हूँ, ज़्यादा मोटा नहीं बनाऊंगी, जस्ट सिंपल सा बनाती हूँ. लाइक दिस
अच्छा दिख रहा है आई लुक अभी तो फिलहाल. माय हेयर लुक्स सो गुड. आज मैंने कितने दिन के बाद हेयर वॉश किया तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वॉल्यूम वगैरह लग रहा है. ओके लेट्स मूव ऑन. तो फॉर मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज दिस स्विस ब्यूटी की, अभी यही ऊपर है स्विस ब्यूटी मस्कारा. बहुत टाइम से मैंने इसको यूज नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है कि कैसा है, लाइक कैसा काम करेगा. लेट्स सी. ओह इट्स नाइस. So this is what I got. मैं इसे और नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 5 या 6 layers लगा दिए हैं. So this is how it looks. It's not that bad, but मुझे मेरे lashes में volume चाहिए होता है. Lining चल जाता है, नहीं रहेगा तो भी, but I need volume and volume छोड़ के बाकी से सब दिया है. So for bronzer I have a bronzer by the way. Thank God कुछ चीज़ें बाहर रह गई हैं क्योंकि वो fit नहीं हो रही थी मेरे bag में. So I'm going to use this bronzer. इट्स सो गुड ब्रॉन्जर. अगेन ये अभी बंद हो चुका है. ये बहुत सालों का है बट मैं इसको अभी भी यूज करती हूँ. इट्स फ्रॉम रिवॉल्यूशन बाय द वे. सी आज हमारा आई लुक कुछ ठीक है. यू नो आई फील सो गिल्टी कि जब मैं वीडियोज नहीं बनाती हूँ ना मेरे चैनल पे. ऐसे मैंने ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं रेयरली अपने अपलोड मिस करती हूँ. मेरे ऑल्टरनेटिव डेज पे रहता ही है बट अभी 4 days होगा. मैंने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी अपना यूट्यूब स्टूडियो ऑब्वियसली एंड वहाँ पे दिखा कि 4 days अगो लॉन्ग वीडियो था तो मुझे इतना गिल्ट फील हुआ एंड कोई भी घर पर नहीं था. आई थॉट कि लेट्स डू इट एंड जितना भी ऊपर मेकअप है उसी से मैं कर रही हूँ जो फिट नहीं हुआ बैग में. बट थैंक गॉड एटलीस्ट ब्रशेज बाहर थे. तो लेट्स कॉन्टोर आवर नोज वही ब्रॉन्जर से. सो आई थॉट लेट्स डू इट. क्या फर्क पड़ता है, हमेशा थोड़ी सी अच्छी लाइटिंग वाली ही चाहिए. कभी कभी चल जाता है रॉ वीडियो एंड ये बहुत रॉ वीडियो बाय द वे. सो या एंड मुझे अपलोड भी मिस नहीं करना था. शुड वी गो डार्क क्योंकि मैंने ब्लैक पहना है. व्हाट यू थिंक? आई थिंक वी शुड गो फॉर डार्क राइट. तो आई थिंक फॉर लिप्स आई गो फॉर दिस विच इज़ फ्रॉम मास. इट्स टू डार्क बट लेट्स कि मैं न्यू लगा. ओके लेट्स गो फॉर न्यू. दिस ये बहुत ज़्यादा न्यूड, मतलब वो ज़्यादा न्यूड नहीं है. सो अगर आपको कोई अच्छा वाला न्यूड एक्चुअल न्यूड शेड चाहिए ना तो यू कैन डेफिनेट ट्राई दिस. इट्स फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स. इट्स रेट्रो मैट इन द शेड 40 अडोर. बहुत सही न्यूड शेड है, लाइक एग्जैक्ट न्यूड है. सी इट्स सो न्यूड. सी इट्स so nude and it's a perfect, like it's warm nude, it's not cool tone nude. I hope you get it. It's time for highlighter. मैं powder highlighter बहुत कम use करती हूँ but today मेरे हाथ में है तो इसको use कर लेते हैं. It's from K Beauty. See it's so blinky. Wow it's too blinky. Looks pretty. And now let's highlight the inner corners. Brush भी नहीं मिल रहा मुझे अभी. Okay, so I'm going to use this tiny brush. Let's highlight the inner corners. See, it looks so pretty and it changes your eye look. Look at that, कितना pretty लग रहा है. एंड आज टाइम फॉर दी सेटिंग स्प्रे. एंड ये मैंने खत्म हो गई थी, मैंने कैसे के डब्बे में डाला था लाइक ट्रैश जो भी बोल लो. बट अभी इसमें थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है. सो लेट्स सी कि इसमें है कि नहीं कुछ. नहीं है, है थोड़ा सा. ओके काम चलाओ. यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर आई एम जस्ट गोइंग टू पैट माई मेकअप एंड माई स्किन या फिर सेटिंग स्प्रे बोल लो. So it looks so glowy after using setting spray, which I like. So this is the final look. So do let me know कैसा लग रहा है. पास से थोड़ा weird लग रहा होगा, but दूर से it looks so glowy and so natural and बहुत pretty भी लग रहा है. And कुछ नहीं होने से अच्छा तो कुछ मैंने बना लिया. And yeah, like I said, बहुत कम time में मैंने बस कुछ दिमाग में नहीं था. I just wanted to shoot, so I did shoot. So and अभी मैं जब सोच रही हूँ तो is the last video in this house. या इज इन दिस हाउस एंड ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू मिस दिस हाउस क्योंकि इसी घर में मैंने मेरा अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था. सब इसी घर में स्टार्ट हुआ है. सो या आई एम गोइंग टू मिस दिस हाउस. बट ऑनेस्टली
मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फॉर न्यू जर्नी बोलो, क्योंकि पूरा नया न्यू स्पेस होगा, न्यू मेमोरीज होगी, सब न्यू होगा. बट या आई एम गोइंग टू मिस दिस हाउस एंड आई एम मच मोर एक्साइटेड फॉर न्यू जर्नी लाइक आई सेड. सो या दिस इज द फाइनल ब्लड मून कैसा लग रहा है. एंड आई मेक श्योर लाइक आई सेड मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई. मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, बट आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं जो भी मेगा वीडियोज मेगा प्रोडक्ट्स यूज़ करी की हूँ उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ. बट एंड पहले मैं बात मुझे बताना कैसा लग रहा है मेकअप. पहले लाइक विदाउट मेकअप कैसे लग रही थी, अभी बहुत फ्रेश फील हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है. एंड खुद को भी देखा जा रहा है, मुझे थोड़ी देर पहले बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था. सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. डू लेट मी नो कैसा लग रहा है एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी इन अ न्यू हाउस. सो या आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.